एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे को कौन नहीं जानता। अगर आप नहीं जानते तो पूनम पांडे का एक बार इंस्टाग्राम अकाउंट खोल कर देख लीजिएगा। मेरा दावा है कि आप पूनम पांडे को जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, यही है पूनम पांडे, जिन्होंने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर रखी हैं। ऐसा लगता है कि पूनम पांडे भूल गई हैं कि वो एक मॉडल और एक्ट्रेस हुआ करती थी। आए दिन पूनम पांडे अपनी इंस्टाग्राम पर इतनी ज्यादा बोल्ड फोटोज और वीडियोस डालती रहती हैं कि देखने वाला भी शर्मा जाए। आपको बता दें कि पूनम पांडे की एक वेबसाइट है जिस पर वह अपने बोल्ड फोटोज और वीडियोस अपलोड करती हैं। इसी वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले कुछ वीडियोस की क्लिप्स पूनम पांडे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालती हैं। ये क्लिप्स इतनी ज्यादा बोल्ड और हॉट होती हैं कि देखने वाले की भी आंख चौंधिया जाए। पूनम पांडे फिलहाल मुंबई में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही हैं और हाल ही में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सगाई भी की है, जिसकी फोटो उनके बॉयफ्रेंड ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी। पूनम पांडे के इंस्टाग्राम पर 3.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कई बार पूनम पांडे को यूजर्स ट्रोल भी करते हैं और भद्दे भद्दे कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन इन सब बातों का पूनम पांडे ने एक ही जवाब दिया है। अपनी एक पोस्ट में पूनम पांडे ने कहा था कि मैं इंटरनेट के जरिए पैसा कमाती हूँ और इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। पूनम पांडे का बोल्ड अंदाज दर्शाता है कि पूनम को अब दुनिया जहां की कोई फिक्र नहीं। पूनम पांडे के कुछ वीडियोस तो ऐसे हैं जो हम आपको यहां दिखा भी नहीं सकते। प्रोफेशनल फ्रंट पर बात करें तो पूनम ने साल 2013 में नशा फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने साल 2015 में तेलुगु भाषा में मालिनी एंड कंपनी नाम की एक फिल्म की। साल 2018 में वह अपनी फिल्म द जर्नी ऑफ कर्मा को लेकर सुर्खियों में रही। यह फिल्म अपने बोल्ड कंटेंट की वजह से सुर्खियों में थी। इस फिल्म में पूनम पांडे ने शक्ति कपूर के साथ काफी बोल्ड सीन दिए थे, लेकिन पूनम पांडे का सोशल मीडिया पर इतना बढ़ चढ़ कर रहना और इतने बोल्ड अंदाज में सबके सामने खुद को रखना, ये दर्शाता है कि पूनम पांडे ने अपना करियर सोशल मीडिया को ही चुन लिया है। ऐसे ही तमाम वीडियो और अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल एबी स्टार न्यूज को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाएं।